नीरज चोपड़ा के साथ वो दोस्त जो पांचवां स्थान पाया विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में जेना की वो कहानी जिसको नहीं जानता हर हिंदुस्तानी। नीरज चोपड़ा का वो दोस्त जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में कम हो रही है, पर इतने बड़े स्तर पर पहले बार भाला फेंका अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे दिया। ये खिलाड़ी पिछले 2 साल से पुख्ता तैयारी के कारण नहीं गया घर, ना देख पाया माँ बाप का चेहरा। मेडल नहीं मिला तो हिंदुस्तान में चर्चा नहीं हो रही, पर इस खिलाड़ी की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान में केवल इस समय नीरज चोपड़ा की चर्चा हो रही है जिन्होंने गोल्ड मेडल लाकर इतिहास रच दिया है, और उन्हीं के दोस्त जेना पांचवें स्थान पर थे जिन्होंने अब तक अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उसकी चर्चा हिंदुस्तान में कम हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि जेना को मेडल नहीं मिला। वो खिलाड़ी जो पिछले 2 साल से घर नहीं गया, पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहा है, पिछले 2 साल से अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा था। जी हाँ, पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में खेलते हुए शानदार पांचवें स्थान पर रहे भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना तैयारी पुख्ता करने के लिए पिछले 2 साल से घर नहीं गए हैं, और निकट भविष्य में भी उन्हें इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, तो जेना और डीपी मनु के प्रदर्शन ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेना रविवार को देर रात हुए फाइनल में पांचवें स्थान पर रही जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। डीपी मनु 6वें स्थान पर रहे जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.14 मीटर का था। पहली बार भारत के 3 खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप फाइनल में शीर्ष 3 में थे। उड़ीसा के पूरी जिले के कोथाशाही गांव में रहने वाले जेना ने बुडापेस्ट में कहा कि पहली बार मैं इतने बड़े स्तर पर खेल रहा था और डर भी लग रहा था, अच्छा खेल पाऊंगा या नहीं। पहली विश्व चैंपियनशिप थी लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूँ। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने समय समय पर सलाह देकर उनकी हौसला अफजाई की। भारत के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का जश्न कैसे मनाया जब पूछा गया उनसे तो जश्न मनाने का समय कहाँ मिलता है, उन्होंने ये तक कहा कि रात को 11:30 बजे कमरे में पहुंचा और सुबह की फ्लाइट लेनी थी। ये पूछने पर कि घर लौटकर माता पिता के साथ कैसे जश्न मनाएंगे, उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से तैयारियों के कारण घर नहीं जा पाया हूँ। उन्होंने कहा आखिरी बार 2021 में घर गया था, उसके बाद पटियाला में शिविर में तैयारियां और स्पर्धाओं में जुटा हुआ हूं। ब्रेक लेने से लेट टूट जाती है, आगे भी एशियाई खेल और ओलंपिक क्वालिफायर की तैयारी करनी है तो लगता नहीं है कि इस साल घर जा सकूंगा। उन्होंने कहा मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था लेकिन 2015 में भाला फेंक खेल रहा हूं। भुवनेश्वर के स्पोर्ट्स हॉस्टल में शुरुआत की थी और अब पटियाला साई केंद्र पर हूँ। परिवार में कोई खेल से जुड़ा नहीं है, साधारण मध्यम परिवार है जिसके सपने मैं पूरा करना चाहता हूँ। लेबलान में इस साल ओपनिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेना को उम्मीद है कि विश्व चैंपियनशिप का अनुभव एशियाई खेलों में काम आएगा। उन्होंने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में तो पदक नहीं मिल सका लेकिन यह अनुभव हांगझोई खेलों में जरूर काम आएगा। मेरी कोशिश अब तक टूर्नामेंट में पदक जीतने की होगी और अब बड़ी प्रतिस्पर्धा से डर या झिझक नहीं रहेगी। उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा ने जो सिलसिला शुरू किया है हम उसे आगे जारी रखेंगे। 27 वर्ष के इस खिलाड़ी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के बीच में तो इतना समय नहीं रहता क्योंकि वो अभी अपने थ्रो पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारा हौसला अफजाई भी करते हैं। एक थ्रो खराब रहने पर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि उसे भूल जाओ और अगले पर फोकस करो, अगला थ्रो अच्छा होगा, परेशान मत हो। इससे काफी आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा कि फाइनल में 12 खिलाड़ियों में 3 भारतीय थे और फिर 3 शीर्ष 6 में हम 3 लोग थे, इससे एक अलग तरह का गर्व महसूस हो रहा था। वैसे इस खास विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर साझा करें और बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलें।